निलॉस अजमेर इंटरनेशनल कलेक्शन कचेरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल नमस्कार मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं इंडिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के इस वक्त हम महाराणा प्रताप सभागार के बाहर हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और हमारे तीन पैनल में आ, साथी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जाकिर हुसैन क्षितिज गौड़ और कांग्रेस के नेता ललित आज हम इन छात्रों के बीच में हिंदुस्तान में जो बवाल ताज़ा मच रहा है जगह जगह पर विश्वविद्यालयों के अंदर हंगामा मचा हुआ है नागरिकता संशोधन बिल को लेकर उस पर चर्चा करना है नागरिकता संशोधन बिल पर देश का युवा अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर रख रहा है और वहीं पर अजमेर के युवा इस पर क्या सोचते हैं और इस बिल के साथ साथ हम चर्चा ये करने आए हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो हिंसक आंदोलन हो चुके हैं दिल्ली की जो पुलिस है और जामिया विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ में जो आंदोलन चल रहा है हिंसक घटनाएं हो रही हैं आगजनी हो रही है, उस पर यहाँ का युवा क्या सोचता है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली तक बात पहुँचाना बहुत आसान हो गया है तमाम तरीके के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे पैनल मैंने आपको बता दिया है पैनल के साथी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हम इन्हीं युवाओं से जान लेते हैं कि आखिर वो इस पर क्या सोचते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सवाल जवाबों को हम आगे जारी रखेंगे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैब के मामले पर नागरिकता संशोधन बिल पर आप क्या सोचते हैं और बहुत एक मिनट के अंदर बताइए जो ये नागरिकता संशोधन बिल ले आए हैं ये बिल्कुल पूर्णतः संविधान के ख़िलाफ़ है और बिल्कुल गलत है और इसी की वजह से आज त्रिपुरा और असम आग आग में चल रहा है क्योंकि ये जो संविधान है इसको तोड़ने मरोड़ने का काम ये सरकार कर रही है इस संविधान के खिलाफ बिल्कुल जो तुगल के फरमान जारी कर रही है यह लोकतंत्र है कोई राजतंत्र नहीं है और लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं किसी के विरोध में लेकिन ये आवाज़ को दबा रहे हैं और ये बिल्कुल जो नागरिकता बिल है इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए ये गलत है देखिए ये आवाज़ इसलिए महत्वपूर्ण है नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ आवाज़ अजमेर से भी उठ रही है और ऐसी ही आवाज़ लखनऊ से भी उठ रही है ऐसी आवाज़ दिल्ली की तमाम जो बाकी की यूनिवर्सिटी हैं जामिया के साथ साथ वहाँ से उठ रही है लेकिन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है छात्र छात्राओं को टारगेट किया जा रहा है प्रोटेस्ट का जो अधिकार संविधान में दिया गया है उसके उलट अब पुलिस जब प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश करती है तो आंदोलन हिंसक हो रहे हैं आप नागरिकता संशोधन बिल पर क्या राय रखते हैं अपनी मैं नागरिकता संशोधन बिल पे अपनी राय रखता हूँ कि जो मोदी सरकार ने जो है संविधान को बिल्कुल ऐसी की तैसी कर रखी है पिछले समय में जब कांग्रेस सरकार थी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उन्होंने उस उन संविधान को ना छेड़ा बल्कि जो सन जो बाबा अम्बेडकर साहब ने जो अपना संविधान लिखा था उन वो उन, उन्हीं पर चले थे और आज मोदी सरकार जो है बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को लिखे हुए को पूरे संविधान की ऐसी की तैसी करने में लगी हुई है और जो है ये जो अभी एन आर सी जो इन्होंने पास करी है ये बिल अभी आसाम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है लोग सड़कों पे उतरे हैं और जामिया इस्लामिया जो आप बता रहे हो दिल्ली के अंदर उसके अंदर जो है छात्राओं पर लाठियां बरसाई जा रही है हम उसका जो है कड़े से कड़ा विरोध करते हैं कड़े शब्दों में विरोध करते हैं छात्रों के ऊपर जो पुलिस का जो अत्याचार रहा उसको लेकर अठारह दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर सुनवाई होनी है अच्छा मुझे एक बात बताइए इस तरीके से छात्र जब प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस कैंपस के अंदर आकर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर उस पर आप क्या सोचते हैं यह हमारा तो यही सोचना है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं पुलिस प्रशासन हो गया ये हो गया और वो आकर हमारे बीच अगर ऐसी घटना करे हिंसक मारपीट करे छात्रों के ऊपर जिस पुलिस का मतलब होता है भाई कानूनी सुरक्षा उस पर हम भरोसा करते हैं कि ये आगे जाकर हमारी सुरक्षा करती है और वो आकर हमारे ऊपर अगर लाठी चार्ज वगैरह हिंसा घटना अभी चार पाँच दिनों से हम देख रहे हैं खुद ही कल कल का ही वो आया था उसमें भी एक छात्र को मारा था गर्ल्स उसको ऊपर जाके गिरी तब जाके वो पुलिस वाले रुके तो ऐसी घटना ना हो के पुलिस वाले उल्टा प्रोटेक्शन दें ऐसी इनसे घटनाएं रोकें मोदी सरकार से तो हमारी यही अपील है कुछ अपनी बात रख रहे हैं जी बताए मैं मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है पुलिस द्वारा जो बर्बरता से लाठीचार्ज किए किया जा रहा है उस पर ये कहना चाहूँगा कि इनका मुख्य टारगेट ये है कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो युवा पढ़ा लिखा युवा है और वो जो जो गलत कानून है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है कि इनके आवाज़ को मुख्य रूप से दबाया जाए क्योंकि ये समझदार युवा है और जो गलत चीज़ होगी उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा ये बोलेगा इसीलिए उनपे बिल्कुल जो सब बिल्कुल एक तरह से आप ये मानो अमानीय तरीके से कैंपस के अंदर घुसना और लाठी चार्ज करना ये किस तरह का सही सही है ये बिल्कुल गलत है इस तरह का पुलिस द्वारा जो करा जा कर रहा है और उस पर जो देश के प्रतिनिधि हैं वो चुप बैठे हैं ये इससे भी बहुत घोर निंदा की बात है शर्मनाक बात है, बात है। बात। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर पुलिस प्रशासन घुस के छात्रों के साथ मारपीट कर रहा है ये बहुत गलत है नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्रीय सरकार के अंदर है इस चीज़ का उनको कोई असर नहीं पड़ता है अगर आप देख तो देखो तो इस कॉलेज के अंदर या अदर कोई कॉलेज के अंदर जब भी कोई चीज़ का हम कोई धरना या प्रदर्शन करते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो ये आके हमारे साथ मारपीट करते हैं पुलिस वाले उसके बाद बात करते हैं जैसा आपने देखा कि यहाँ पे नीमच में जब कहीं भी अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर हर जगह मारपीट के अलावा कोई बात नहीं होती और जैसा कि ये संविधान को तोड़ मरोड़ के और उसकी ऐसी की तैसी करके दिखा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी संविधान डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा है या आप या अमित शाह जी कोई नहीं बदल सकता और यह हमेशा ही ऐसा रहेगा कोई नहीं बदल सकता है अपनी अपनी राय है सभी की और आंदोलन मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बहुत मजबूत करता है चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथियों के पास पहुँचते हैं सर जिस तरीके से कैंपस के अंदर बच्चों के साथ में पुलिस का हिंसक बर्ताव नज़र आया कई लोग कह रहे हैं अमानवीय हैं संविधान को तोड़ने वाला है क्या लोकतंत्र में अब छात्रों के माध्यम से प्रोटेस्ट करने की आज़ादी खत्म हो चुकी है देखिए आज़ादी खत्म कर दी गई है हुई नहीं है संविधान ने आज़ादी खत्म नहीं किया संविधान आज भी अपनी उसी बात पर कि हमें पूर्णतः आज़ादी है हम अपनी अगर कोई बात हमें गलत लग रही है हम उसका हम उसको प्लेटफॉर्म पर रखें हम अपनी बात कहें सरकार सुने सरकार उस पर कुछ क्या रिएक्ट करे वो सरकार की अपनी उसके आउटलुक है लेकिन छात्रों के साथ जिस तरीके से जामिया मिल इस्लामिया में हुआ फिर कल रात को हमने एमयू में भी देखा वहाँ पर तो पुलिस वाले छात्रों की गाड़ियों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे थे जिस तरीके ये 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 पुलिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी जान माल हमारी चीज़ों की सुरक्षा सर, करेगी लेकिन अगर वो जिस तरीके से उन्होंने ए में किया जिस तरीके से उन्होंने जाम इस्लामी में किया है तो लगता है कि पुलिस किसी एक एजेंडे के तहत किसी एक एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है वो संविधान में जो उनको जो उनको, उनको उन पर जो अंकुश जो है उनका कि वो संविधान के दायरे में रह के लोगों की सुरक्षा करेंगे लेकिन वो लोगों की सुरक्षा नहीं करके एक पार्टी के एजेंडे पे काम कर रही है और उन्होंने जिस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट की है ये ऐसा लगता है कि जैसे वो छात्र इस देश के नहीं हो के कहीं और से आए हैं वो देश ये 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 तरीका नहीं है मतलब पुलिस को आ, उनको समझाना चाहिए अगर मान लिया किस कोई अनसोशल एलिमेंट घुस के किस तरह की कोई वारदात कर भी दे तो आप उसको पकड़िए ना आप छात्रों के साथ मारपीट करके लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे हैं आप उनके आपने उनको उनके पैरों पे वार किए हैं उनकी लाइब्रेरी में घुस के उन्होंने लाइब्रेरी तोड़ी है और फिर आप ये कह रहे हैं कि छात्रों ने लाइब्रेरी तोड़ दी छात्र अपनी लाइब्रेरी खुद ही तोड़ेंगे ये कौन बाई करेगा कोई भी आंदोलन हिंसक होने हिंसक अगर हो गया है तो पुलिस उनको क्यों नहीं चिन्हित कर रही है छात्रों में और छात्रों के कैंपस में जाकर विश्वविद्यालय में जाकर इस तरीके से क्यों ये कितना सही देखो सुशील आपके दो मुद्दे एक तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है और एक है छात्रों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको कुचलना जो कैब है सिटीजन अमेंडमेंट बिल है इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं लेकिन जो दूसरा आपका मुद्दा है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन पे लाठी चार्ज मुझे नहीं लगता कि इस पर इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे राजनीतियाँ है, मानते हैं हमारा देश मान रहा है कि भारत युवाओं का भारत है युवा भारत है युवाओं की बात अगर आप नहीं सुन रहे हो युवाओं की बात को कुचल रहे हो तो वो चर्चा का विषय नहीं है उसके ऊपर सभी को इस इस इसकी को जो कंडेम करना चाहिए इसके बारे में बोलना चाहिए कि विद्यार्थी अगर आंदोलन कर रहे हैं आप जे में जब शुरू हुआ था जब से शुरुआत थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ था हैदराबाद में हुआ था आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर आंदोलन शुरू हुए थे उनको कुचला गया था अब आज आप जो है जामिया इसलम को चल रहे हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चल रहे हो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके प्रोफेसर साथ में आए उनको प्रदर्शन करने का हक हाँ है उनको अपनी मांग उनकी मांग सही है गलत है ये बात अलग अलग उनको प्रदर्शन करने का हाँ हक है रही बात सिटीजन अमेंडमेंट बिल की इस पर आप चर्चा करो इस पर अगर आप बोलते हो कोई बोलता है कि ये अच्छा है कोई कहता है बुरा है तो सबकी सुननी चाहिए चर्चा होनी चाहिए इस मामले में चर्चा होनी चाहिए सर जामिया की जो वी सी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली पुलिस के जो भी कर्मचारी जो भी पुलिसकर्मी अंदर आए उनके ऊपर एफ करवाई जाएगी पूरे मामले के अंदर आपको लगता है कि अब ये राजनीति हो रही है और हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई शुरू हो गई है जी सुशील मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ और कांग्रेस ने जिस तरह से जो है धर्म निरपेक्ष वाले दल के रूप में काम किया जहाँ पर हम लोगों ने पूरी सोसाइटीज को साथ लेकर चलते रहे अब जो है ये चीज़ें देखने में बिल्कुल उल्टी नजर आ रही हैं कोई स्पेसिफिक दल जो है किसी स्पेसिफिक दल को जो है टारगेट कर रहा है उनके अगेंस्ट काम कर रहा है जो मेरे ख्याल से एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए जो है बहुत ही बुरी बात है और जिस तरह से एक तरफ एक तरफ तो हम भी कहते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य है अगर देश का भविष्य जो है किसी बात को अगर गलत और सही को लेकर अगर कोई डिस्कस करना चाह रहा है या कुछ बताना चाह रहा है तो सरकार का मतलब फर्ज बनता है अपने मतलब संविधान के तहत कि जो उनकी बातों को सुने अगर उसको कुछ गलत लग रहा है तो उनको समझाने की कोशिश करें राधर देन कि उन पे जो जो है है इस तरह के आक्रामक इस तरह का आक्रमण करा कि उनको जो है इस तरह उनकी जो है बो, बोलती बंद कराई जाए या जो है उनके अधिकार को जो है छीना जाए या बंद कराया जाए ना तो मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग जो है हमारे देश के जो रक्षक बने हुए हैं अगर वो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो उन पर से भी जो है सरकार का एक दल से मतलब लोगों का दल से तो भरोसा होता यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में अगर पुलिस घुस रही है तो कुलपति की आज्ञा के बिना नहीं घुस सकती है अगर कुलपति जो वाइस चांसलर हैं जामिया इस्लाम के अगर वो कहते हैं एफआईआर दर्ज करें तो उनको करानी ही चाहिए इस मामले में ये गवर्नमेंट कॉलेज है अगर इसका प्रिंसिपल अलाउ नहीं करें हमने वो समय देखा है जब पुलिस वाले अंदर घुस नहीं पाते थे नहीं। प्रिंसिपल उनको इन्फॉर्मेशन भी रहती थी लेकिन प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते थे पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती थी कभी कॉलेज में घुसने की हमने वो समय देखे लेकिन बात कहाँ आ गई है बात सुशील यहाँ आ गई है कि छात्र जो है वो दलों में बट गया ये कम्युनिस्ट हो गया ये ए हो गया ये एन एस ए उनकी फूट को के कारण ये इस तरह के हाथ से हो रहे हैं एक चीज़ और जैसे सर सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो वायरल हो रही हैं कि जहाँ पर भी विरोध होगा नागरिकता संशोधन बिल का वहाँ पर पुलिस जाएगी और उनको हटाने की कोशिश करेगी प्रोटेस्ट का अधिकार एक तरीके से ख़त्म हो गया है दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ लखनऊ में ऐसा हो रहा है असम में भी ऐसा हो रहा है अजमेर के ये जो युवा हैं ये भी विरोध कर रहे हैं उस बिल का लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कांग्रेस सरकार इसलिए है नहीं देखिए यहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए नहीं हो रहा ये छात्र अगर इन इन, इन छात्रों चा, का अगर विरोध होगा देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी इस बिल के जो रेपरकेशन हैं वहाँ पर इस वक्त ज़्यादा उभरे हुए हैं जहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि उनके अधिकारों को इस बिल ने छीन लिया है आ, मैं ये कहूँ कि कुछ जो लोग हैं जो जो ये सोच रहे हैं कि भाई इस बिल के आने से पूरी देश की माइनॉरिटी एक सेकेंड ग्रेड क्लास में चली जाएगी वहाँ पर और उसके अलावा ना असम में या त्रिपुरा में मिजोरम में जिस तरीके से ये जो विरोध इसका हो रहा है वो इसका कारण ही है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग अब माइनॉरिटी में चले जाएंगे क्योंकि जो आपने आपने क्या किया पहले आपने एन आर में कराया अब एन में जब आपके हिसाब से आपके पक्ष में जब वो नहीं है आपके उसका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में नहीं गया तो आपने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया आप पहले इसको लागू करेंगे फिर जो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे जिन ज, जिनको आप घुसपैठिए कह रहे थे उनको आप धर्म के हिसाब से सेग्रीगेट करके एक धर्म को आप अंदर ले आएंगे दूसरे धर्म को आप बाहर करेंगे लेकिन हो ये रहा है कि उस आसाम में वो ये धर्म के आधार पे नहीं कर रहे सेग्रीगेट वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आया उसको वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है सिख कोई भी किसी भी धर्म का है उसको वापस जाना चाहिए वो इस बात पर अड़े हुए हैं यहाँ पर जो ये ये सरकार क्या कर रही है कि सरकार ने धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की को, पूरी पूरी इसमें कोशिश करेंगे आप ये देखिए अगर आपने इस मूल स्वरूप को जो धर्मनिरपेक्ष मूल स्वरूप है संविधान का दिया हुआ हमारे हमारे जो सबसे बड़ा मूल्य है इस देश का जिस पे इस देश की सारी नीव डेमोक्रेसी टिकी हुई है अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो देश भी ख़त्म देश को बहुत बड़ा खतरा होगा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ अगर आप सपोज करिए कि कैंपस है इसमें तरह तरह के फूल लगे हैं पेड़ लगे हैं आप एक ही तरह के फूल लगा दीजिए एक ही तरह के पेड़ लगा दीजिए फिर देखिए इस इस कैंपस का क्या हाल होगा इस कैंपस में मतलब आप इस कैंपस की पूरी खूबसूरती को ख़त्म कर देंगे और दुनिया में मैंने ज, आ, इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं क्रिश्चन देश भी हैं आप उन देशों का ये देख लीजिए अगर उनके यहाँ पर अगर उनके यहाँ पर एक मूल्य जो है कि धर्म के आधार पर वहाँ सेग्रीगेशन जिस भी देश में हुआ है वो, है वो देश पूरी तरीके से हम पाकिस्तान से पाकिस्तान से कम, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं मतलब हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं क्या रोज आए दिन ये पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये जो करके डिबेट जिस तरीके से समाज में जहर घोल रहे हैं ये देश के लिए बहुत घातक है और ये जो आज जो इकोनॉमी की कंडीशन है इसका कुछ ना कुछ लेना देना इससे भी है इसमें एक चीज है जैसे अपने युवा खड़े हैं और यही हमारा देश का भविष्य है आज ये चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है जो कैब आया है उससे क्या होगा बाबरी मस्जिद का मंदिर ये अपने राम मंदिर बन रहा है इसका क्या होगा पाकिस्तान का होगा। लेकिन इन बच्चों से आज अगर चर्चा करी जाए कि आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हो आपका रोज़गार क्या है तो शायद इन्होंने अभी तक सोचा नहीं होगा जबकि ये पढ़े लिख के बाहर बेरोजगारों की बड़ी लंबी लाइन में खड़े होने वाले हैं एक बात ये ये इस ये जो जितने भी छात्र हैं ग्रेजुएशन के या तो फर्स्ट ईयर में या फ़ाइनल ईयर में होंगे एक साल बाद दो साल बाद ये जब अपने लिए रोजगार तलाश करने जाएंगे बाहर तो अगर ये इन मूल्यों को लेकर जाएंगे तो ये मान के चलिए कि ये इनको काम मिलना बहुत ही मुश्किल और, और ये जिस हो जिस तरीके का काम ये करना चाहते हैं या भविष्य को सुधारना चाहते हैं ये इनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है इनको ये आज के जो ये युवा हैं इनको समझना पड़ेगा कि इनको क्या चाहिए फैसला इनके हाथ में क्योंकि जो ये तय करेंगे अपने भविष्य का ये तय करेंगे कि इनको आगे आने वाले टाइम में क्या चाहिए इनको अच्छा रोजगार चाहिए इनके इन, इनके बच्चे इनके इनके आने वाला भविष्य सुनहरा हो अगर ये इस चक्रव्यूह में फंस गए तो ये अपना भविष्य तो खराब करेंगे करेंगे डिसीजन इनको लेना है, इनको लेना है। और ये अपना भविष्य तो खराब करेंगे ही करेंगे देश का भविष्य भी खराब होगा क्योंकि आने वाला भविष्य इन्हीं के कंधों पर है नागरिकता संशोधन बिल के अंदर कई लोगों की अपनी अपनी राय है और धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को जिस तरीके से धर्मशाला बनाने की कोशिश की जा रही है उसका विरोध कई जगह पर हो रहा है सबकी अपनी अपनी राय है और एक बार मैं अभी जान लेते हैं मैं आप सबसे जानना कि नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या ना मैं आपका जवाब चाहिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोबारा विचार किस चीज़ का नागरिकता संशोधन बिल पे सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिल्कुल विचार करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से देश में देश जल रहा है आग में उस हिसाब से लोगों का आक्रोश देखते हुए जो जनता है उन्होंने पुरजोर विरोध कराया इस बिल के ख़िलाफ़ तो इसको करना चाहिए इस नियम को बदलना चाहिए सरकार को नागरिकता संशोधन बिल में बदलाव करना चाहिए जी बिल्कुल नागरिकता संशोधन बिल के अंदर मोदी सरकार को बदलाव करना चाहिए करना चाहिए इस पर विचार करना चाहिए आप क्या सोचते हैं बिल्कुल सर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को इस बिल पे बिल्कुल सर पुनर्विचार करना चाहिए और ना एक बार फिर सोचना चाहिए इस बिल के बारे में सर बिल्कुल करना चाहिए करना चाहिए अच्छा जी सर बिल्कुल विचार करना चाहिए अगर इस चीज़ पर विचार नहीं हुआ तो आगे से बड़े बड़े आपको दंगे देखने को मिलेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे की जो अदर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आके आकर्षण करें या कोई चीज़ करें इससे अच्छा ये है कि इसके ऊपर एक बार और विचार करके सोचना चाहिए और अगर इसके बारे में सोचेंगे तो जो स्टूडेंट हित है इसके लिए अच्छा होगा एक सवाल आ रहा है कुशील इसमें एक चीज़ है जो ये बच्चे समझ नहीं रहे हैं सरकार बदलने का मतलब आइडियोलॉजी बदल जाना है आज कांग्रेस सरकार थी उनकी आइडियोलॉजी अलग थी आज बीजेपी सरकार इनकी आइडियोलॉजी अलग है जो संस्था जो इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने एक आइडियोलॉजी को पनपाने के लिए बनाए थे चाहे वो जे एन हो जे में कम्युनिस्ट विचारधारा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलग से रिसर्च का हुआ है इन नई आइडियोलॉजी की सरकार इन इंस्टीट्यूट्स को इन संस्थानों को बंद करके नई आइडियोलॉजी की ये संस्थाएँ खोलना चाहती है आप इसके पीछे की राजनीति ये है सबकी अपनी अपनी राय है नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर और जो राय यहाँ के छात्रों की है वो हमने आपको बताने की कोशिश की अजमेर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर ऐतराज रखते हैं उनको लगता है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए लेकिन यहाँ के कैंपस के अंदर पुलिस आकर इन छात्रों से मारपीट या यहाँ के कैंपस में तोड़फोड़ नहीं करती है हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसी का ये असर है कि इनकी जो बात है इनके जो विरोध का स्वर है वो इनको रखने का अवसर मिल चुका है कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल एम इंडिया अजमेर